बिफोर डिस्कसिंग मार्कर्स फॉर मेमेलियन सेल लेट सी वट वी हैव हाउ वी कैन एक्सप्रेस आपके पास दो ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम इकोलाई में एक्सर कराते थे यू कैन हैव सिंगल जीन एक्सप्रेशन और यू हैव अ टू जीन एक्सप्रेशन लेकिन अगर आप दो जीन्स एक्सप्रेस कराना चाह रहे हैं देन वट शुड बी द स्ट्रेटी स्ट्रेटजी क्या हम दो सेपरेट वैक्टर्स एक ही सेल में डाल दें तो दोनों प्रो, दो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगी या हम एक ही वेक्टर में दो जीन्स डाल दें जो सेपरेटेड हों और अल्टीमेटली हमारे पास वो प्रोड्यूस होने लगते सो दीज आर द दिडरेशन एक्चुअली बेटर इज टू गो फॉर टू जीन्स इन वन वैक्टर अदर देन हैविंग अ सेपरेट वैक्टर उसका नुकसान यह होता है कि जब आप टू सेपरेट वैक्टर्स डालते हैं दे कम्पीट विद ईच अदर एंड अल्टीमेटली समटाइम्स यू एंड अप लूजिंग वन वैक्टर लेकिन अगर एक ही वैक्टर में हो तो इट्स यूजली मोर स्टेबल फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड एंटीबॉडीज जो एज टू एंड क्योंकि एंटीबॉडीज में दो हैवी चेंज होती हैं एंड दो लाइट चेंज होती हैं तो ये अल्टीमेटली अगर आपको इन दोनों प्रोटीन्स में से कोई भी प्रोड्यूस करनी है तो वट यू वुड सी यू हैव टू यूज टू जीन्स टूगेदर लेकिन सपोज करें आपने प्रोटीन पैदा कर ली और उस प्रोटीन के अंदर क्या है कि आपके पास दो हैवी चेन्स हैं और दो लाइट चेन्स हैं नाउ द क्वेश्चन कम्स क्या आप प्रोटीन प्योरीफाई करके उसको इन विट्रो असेंबल करें मसलन आप उनको मिक्स कर दें एंड दे विल अल्टीमेटली मेक अ मल्टीमेरिक प्रोटीन और यू लीव देम बी और वो सेल के अंदर ही असेंबल हो जाए अगेन इन सम केसेज इन विट्रो असेंबली वर्क वेरी वेल बट मोस्ट ऑफ द केसेज यू शुड अटेम्प्ट कि वो इन विट्रो ही प्रोटीन असेंबल हो जाए क्योंकि अलॉट ऑफ शेपर आर इन्वॉल्व एंड दो शेपर जो वो इन विट्रो एक्ट करते हैं जितना अच्छा वो उतने अच्छे तरीके से इन जितना अच्छा वो इन इन्वीव एक्ट करते हैं इतने अच्छे तरीके से वो इन विट्रो एक्ट नहीं कर सकते लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास दो जीन्स हैं सपोज करें ये दो डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को कोड कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा एंड व्हाट यू सी इज कि अल्टीमेटली यू हैव टू डिफरेंट एम जो प्रोटीन सब यूनिट्स बने और अल्टीमेटली वी कैन हैव एन असेंबल स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा और बीटा आपस के अंदर इकट्ठे हैं एंड दे हैव लाइक यू नो असेंबल टूगेदर नाउ वेन इट कम्स टू द मार्कर्स फॉर मेमेलियन सेल्स यू हैव अ लॉट ऑफ मार्कर्स फॉर एग्जाम्पल जाइले जो सिलेक्टिविटी अपनी शो करता है बाय लुकिंग एट द डेमेज डन टू डी एन ए आपने इसके लिए कौन सा जीन डालना पड़ता है एडेनिन इन इसी तरीके से ब्लास्टिसन है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है ब्लियोमाइसिन है जो डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक करती है हिस्टिडिनॉल है जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देती है हिस्टिडिनॉल को हिस्टिडीन में हाइग्रोमाइसिन है तो यू हैव अ लॉट ऑफ आई डोंट वॉन्ट टू गो इन द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी वन आई गिव यू ओनली

आ, ये इट इंटरफेयर्स विद द फंक्शन ऑफ ए टी एस राइबोसोम्स और इसका जो ए टी एस राइबोसोम से फंक्शन करना इंटरफेरेंस है अल्टीमेटली अगर आप आ, देखें उसकी जो सेल्स इसको एक्सप्रेस नहीं करते अल्टीमेटली वो क्या होते हैं कि उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होना खत्म हो जाता है इसी तरीके से हमने आप एक सिस्टम स्पेशली स्टडी कर सकते हैं एंड दैट इज ऑन मेथोट्रेगजेट बेस्ड है अब ये जो मेथोट्रेगजेट बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का हम एक्सप्रेशन इतना ज्यादा कर देते हैं कि अल्टीमेटली वो उसको ओवरकम कर जाता है तो अदरवाइज अगर आपका जीन ट्रांसफेक्ट ना हुआ हो तो उसमें डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बिल्कुल नहीं बन रहा होता लेकिन जब आपने अपने जीन के साथ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का जीन डाल दिया वो भी ओवर एक्सप्रेस होने लग गया तो सेल टॉक्सिसिटी को ओवरकम कर जाता है और अल्टीमेटली ओनली दो सेल्स सर्वाइव जिनमें आपका जीन्स सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हुआ हो सो एंड मोस्ट ऑफ दीज मार्कर्स वर्क ऑन द सेम सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल